मुरैना पुलिस ने एक जनपद पंचायत सदस्य को शराब की तस्करी में लिप्त पाया है। यह सदस्य हाल ही में नगर पंचायत चुनाव में जनता ने चुना है। यह सदस्य नाव में शराब की पेटियां भरकर ला रहा था। जैसे ही पुलिस ने दबिश दी, यह शराब की पेटियां छोड़कर भाग गया। दिमनी थाना पुलिस ने जनपद सदस्य नीरज शर्मा व उसके साथियों के खिलाफ शराब तस्करी का मामला दर्ज किया है। बता दें कि दिमनी थाना पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि चंबल के बीहड़ में शराब तस्कर अवैध शराब लेकर आ रहे हैं। मुखबिर ने यह भी बताया कि यह तस्कर चंबल नदी में नाव से अवैध शराब लेकर आ रहे हैं। सूचना पाते ही दिमनी थाना पुलिस ने शराब तस्कर को पकड़ने के लिए फील्डिंग लगा दी। यह शराब तस्कर राजस्थान से चंबल नदी पार करके नाव से शराब की पेटियां लेकर आ रहे थे। चंबल के बीहड़ में भगेश्वरी मंदिर के पास रात 3-4 बजे के बीच पुलिस को कुछ लोगों की आहट सुनाई दी। पुलिस ने देखा कि 3 लोग झाड़ियों में शराब की पेटियां छिपा रहे थे। पुलिस ने उनकी घेराबंदी की तथा ललकारा तो वे पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने उनका काफी दूर तक पीछा किया। थाना प्रभारी ने बताया कि तस्करों के बारे में पता लग गया है तथा उनकी पहचान हो गई है। इनमें प्रमुख आरोपी चंदपुर गांव निवासी नीरज शर्मा, जो कि वार्ड क्रमांक 16 से जनपद सदस्य है, शामिल है। उसके साथ 2 अन्य शामिल थे। दिमनी थाना पुलिस ने नीरज शर्मा सहित 3 के खिलाफ शराब तस्करी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शराब तस्करों के भाग जाने के बाद 17 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब की जब्त की है। यह शराब राजस्थान की प्रसिद्ध कंपनी पोंटी क्लब की है। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी नीरज शर्मा के खिलाफ दिमनी थाने में हत्या व हत्या के प्रयास के मामले पहले से ही पंजीबद्ध हैं। पुलिस के मुताबिक जनपद पंचायत सदस्य नीरज शर्मा आदतन अपराधी है तथा पिछले 10 वर्षों से शराब तस्करी में लिप्त है। वह राजस्थान से 70 रुपए के हिसाब से पोंटी क्लब का क्वार्टर खरीद कर लाता है तथा यहां पर 100 रुपए में बेचता है। दिमनी थाना पुलिस काफी समय से उसके पीछे लगी थी। अंत में मुखबिर की सूचना पर पुलिस को सफलता मिल ही गई। नाव से जो है अवैध शराब लेके आती है, तो इसमें हमारे अभियान चल भी रहा है। दबिश के दौरान जो है काफी मात्रा में जो अवैध शराब मिली थी, उसको प्रथम कंट्रोल किया गया है। दिल्ली पुलिस और वहाँ की और अधिकारियों की अम्बा की पुलिस के द्वारा काफी इफेक्टिव कार्रवाई की गई है और इस पर हम नजर रखे हुए हैं। जो भी इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए थाना प्रभारी को बताया गया है।